सुनना चाहूंगा निखिल से, जो इन्होंने फ्रॉड आइडेंटिफाई किया था वो बताओ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं फैशन को। एक वो सिक्योरिटी गार्ड वाला बता दो, और एक जो आपने टैक्सियों से पीछा करा था उसका बता दो। तो ये आई थिंक कुछ 5 6 या 6 साल पहले की बात होगी। तो मैं यूपी के एक सिटी में था। एक हमारा क्लाइंट है, मीडिया क्लाइंट, तो उनका जैसे कि न्यूज़पेपर का बिजनेस होता है, तो जो सर्कुलेशन होती है न्यूज़पेपर की, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जैसे टैक्सीज में होती है। तो जो भी प्रेस से न्यूज़पेपर निकलता है वो एक टैक्सी, डिफरेंट टैक्सीज में निकलता है, वो वेंडर्स होते हैं टैक्सी के। तो मैं पहले, सबसे पहले तो मैं वहाँ पे बेसिकली प्रेस में गया था, जो प्रिंटिंग प्रेस होती है। प्रिंटिंग प्रेस में मैं पूरा प्रोडक्शन, कैसे एक न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, वो पूरा प्लांट का फंक्शनिंग वो समझने गया था। तो वहां से वो समझते समझते फिर मेरे को पता चला कि ये एक टाइम पीरियड होता है जब न्यूज़पेपर छपने के बाद वो टैक्सीज में लोड होता है, और वहां से वो डिफरेंट डिफरेंट जो भी पॉइंट्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, वहां पर वो जाता है। तो वहां पर वो पॉइंट एक बेसिकली कंट्रोल होता है कि जो वहां का गार्ड होता है या जो भी मैनेज कर रहा होता है वो सारी टैक्सीज को, तो वो पूरे किलोमीटर्स की रीडिंग को नोट करते हैं, सो दैट उन किलोमीटर की रीडिंग के बेसिस पे जो टैक्सी वेंडर्स के साथ अग्रीमेंट होते हैं उस पे उनको पेमेंट हो सके। तो अब मेरे को वहां पर वो टेस्ट स्टेप सूझा कि एक बार देखते हैं कि कितनी एक्यूरेसी है इस पूरे प्रोसेस में, कितना अच्छे से होता है ये। तो मैं भी साथ में वो रीडिंग नोट करने लग गया डिफरेंट डिफरेंट टैक्सीज की, और रीडिंग नोट करने के बाद एक टैक्सी का मैंने पीछा किया। तो जो मेरे को बेसिकली, जो हमें क्लाइंट ने कैब दी हुई थी, उस कैब में मैं बैठा और मैंने पूरा उस टैक्सी का पीछा किया, और मैंने पूरा नोट किया कि कितना कितना किलोमीटर मेरी गाड़ी चल रही है, जहां जहां पे वो टैक्सी जा रही है, और जब वो उनके हेड ऑफिस में आती है वहां पे जाकर उनकी रीडिंग एंड होती है, या तो वहां होगी या प्रिंटिंग प्रेस में होगी। तो मैंने वो पूरा फॉलो करके पूरा किलोमीटर की रीडिंग नोट करी, और जो वो सुपरवाइजर था जो वो रीडिंग को नोट करता था, उन्होंने जब वो रीडिंग को जब मैंने कंपेयर किया, उसमें मैसिव डिफरेंस था। तो बेसिकली वहां पे कल्यूजन हो रहा था वो वेंडर का और जो सुपरवाइजर था उसका। तो वो रीडिंग्स को, किलोमीटर रीडिंग को इन्फ्लेट करके, जो इनवॉइसेस आती थी उस वेंडर से उनको इन्फ्लेट करके वहां पे सीधा सीधा मेरा फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा था। तो ऐसे मैंने वो फ्रॉड पकड़ा था।